मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव ने बताया कि जिन नागरिकों के द्वारा बिना अनुमति के भवन, दुकान या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, मार्केट, विद्यालय, होटल, मैरिज गार्डन आदि का निर्माण किया गया है या फिर अनुमति से अधिक अवैध निर्माण कर लिया गया है, ऐसे प्रकरणों में शासन के द्वारा प्रशमन शुल्क में 28 फरवरी 2022 तक 20% की छूट प्रदान की गई है। नगर पालिका परिषद के रजिस्टर्ड इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर निर्माण अनुमति प्राप्त करें और असुविधा से बचें, अन्यथा अवधि समाप्त के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं तेज सिंह यादव ने बताया कि नगर पालिका परिषद गुना सीमा क्षेत्र में ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने बिना अनुमति के भवन निर्माण किए हैं और भवन निर्माण अनुमति से अधिक निर्माण कर लिए हैं, ऐसे में उन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग के द्वारा शमन शुल्क पर 20% की छूट का लाभ नगर पालिका परिषद गुना के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने अनुमति से अधिक भवन का निर्माण कर लिया है और ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने बिना अनुमति के भवन निर्माण किए हैं, उन्हें 28 फरवरी तक कंपाउंडिंग प्रकरणों में 20% की छूट दी जा रही है। राज्य शासन के द्वारा नगरीय निकायों में 28 फरवरी तक कंपाउंडिंग प्रकरणों में शुल्क पर 20% की छूट दी जा रही है। राज्य शासन के द्वारा भवन अनुज्ञा के तहत अतिरिक्त निर्माण और भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण कंपाउंडिंग के लिए सीमा 28 फरवरी से पहले शुल्क जमा कर यहां पर 20% की छूट का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भवन निर्माण अनुमति के ऐसे प्रकरणों में जिन्होंने बिना परमिशन के भवन का निर्माण कर लिया गया है, उनमें लगने वाले संबंध शुल्क में 20% तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। ये छूट 28 फरवरी 2022 तक जारी रहेगी। मैं सभी शहर में स्थित ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने नगर पालिका की बिना अनुमति के भवन का निर्माण कर दिया है, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने भवनों की परमिशन विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका से प्राप्त कर लें, जिसमें उन्हें लगने वाले संबंध शुल्क में 20% तक की छूट का लाभ मिल सके।